नमस्कार बच्चों आज हम कक्षा आठ का संस्कृत का पेपर देखेंगे पहला है उचित विकल्पम चित्वा लिखत कार्यक्षेत्रे तरणी दूसरा बसंत पंचमी पर्ववती माघमा से काव्यशी रम्यम नाटकम चौथा है गुरुत्वाकर्षण से सिद्धांत प्रतिपादिता आर्यभट्टेन पाँचवा है सर्व पश्चद्राणी दूसरा है उचित पदेन स्थानी पूयत तपस्या साधना स्वर्ग प्राप्ति है सर्वनंद तो सर्व नामना प्रसिद्धा महेश्वरा बलम धारियत दरबार भवनम दुर्गे है तीसरा प्रश्न है साधुना साधु साधुनाम का क्या हो जाएगा साधुनाम श्रीराम, दासा क्या हो जाएगा दासा शिवराजा शिवराजा का हो जाएगा तवा शिवराज कावाभीष्ट दृ दृष्टता दृष्टता का तवा द्रश्क्रिताम, द्रश्क्रिताम का हिंसा शुद्ध शुद्ध लिखना था उद्योगे दरिद्रमस्ति ओछ नगरे कासु मरो मनोहराणी चित्राणी वर्तन्ते आम कुमारसंभव खंडकाव्य अस्ति ना ऋतुसंगारम महाकाव्यस्ति आम विपत्ति विपरना भ्रमणीयम न। पाँचवें वाले में कोष्ट का शब्द चित्त प्रश्न निर्माण मतलब कोष्टक के स्थान मतलब प्रश्न ये कोष्टक में जो दिए हुए हैं ये इन प्रश्नों में शब्द निर्माण करना चित्रकूटम सतना मंडले अस्ति तो सतना की जगह लिख देंगे कस्मिन क्या लिख देंगे सतना की जगह कस्मिन दूसरा है रामघट्टा मंदा है, तटे अस्थि मंदा की जगह लिख देंगे कश्याय मंदा न्याय की जगह कक्षा तीसरा है, है चित्रकूटे सघनानी वनानी संति सघनानी की जगह लिख देंगे की दृशानी चौथा है रामघट्टात नाति दूरम जानकी कुंडम तो नाती दूर रामघट्टात की जगह हो जाएगा कस्मात कस्मात नाति दूरम जानकी कुंडम चित्रकूटे द्वे नैसर्गिक ग्रह स्थित चित्रकूटे द्वे की जगह हो जाएगा के क्या हो जाएगा के एक पदे ने लिखना था वराह से पितु नाम आदित्य दासा कस्मिन मासे गणतंत्र दिवस जनवरी मासे मित्रम कदा अपत्सु। बीस पानम जानीयापत्सु हरदौला कृतवान्रदौल रणेन्द्रनाथ से गुरो नाम रामकृष्ण परमहंस काम का नाशित चटकामंडा क्या हो जाएगा चटका अन्नानी एक वाक्य है मातु नाम के तो लिख देते युधिष्थ से मातूनाम कुंती चंद्रशेखर से जन्म कदा ये लिखना था कब हुआ था लोके विद्या कीदृशी मतृदर्शी लोके विद्या मतृदर्शी ऋतुसंहारे केशा वर्णनमस्ती ऋतुसहारे नाम वर्णनमस्ती क्या ऋतु ऋतु नाम विक्रमादित लोके कथम प्रसिद्धा विद्या क्या हो जाएगा विद्या इंदिराया जन्म कभव इंदिराया जन्म प्रयाग नगरे अभवत संस्कृत शब्द में लिखना था पंद्रह को क्या लिखते हैं पंचदशा अठारह को अष्टदशा पच्चीस को पंचविंशति त्रीस तीस को त्रिंस और सैंतालीस को सप्त चत क्या सप्त चत लव धातु लट लकार मध्यम पुरुष लिखना था कोई दो लिखना था आठवें क्वेश्चन में, में पट धातु का लट लकार उत्तम पुरुष लिखना था ऐसे ही नौवें क्वेश्चन में था सजन की द्वितीय विभक्ति मात की पंचमी विभक्ति वारी की सप्तमी विभक्ति लिखना था दसवें प्रश्न में, में संधि विच्छेद करना था प्रत्येकम का क्या हो जाता प्रत्येक प्रतिधन एकम सदाचारा का सदा सदा धन आचारहा मनोरथा का मना धन रहता समास विग्रह करना था पापयुक्त मतलब पाप मुक्त पाप से मुक्त तत्पुरुष समास हो जाता पितरहु माता पिताचा हो जाता धन समास पंचा नाम बटान समाह बाहबरी समास हो जाएगा इसमें विभक्ति वचनम च लिखा विभक्ति वचन लिखना था गता कौन सा वचन है और विभक्ति लिखना था पठितवान गतः में प्रथम विभक्ति पठितवान में तृतीय विभक्ति में क्या सप्तमी विभक्ति विभक्ति वचन हम चल लिखा तेरहवें क्वेश्चन में नसिच ना आपत्सु और युद्ध की विभक्ति वचन इसमें इस भी लिखना था चौदह वाले क्वेश्चन में श्लोक लिखना था एक थे जो इस प्रश्न प्रश्न पत्र में नया आया हो और याद हो पंद्रवें क्वेश्चन में ये प्रश्न आए थे मित्रम कदा जानियात तो मित्रम आपत्सु जानियात क्या आपत्सु धनम कदा जानियात धनम युद्धसूरम धनम जानियात लिख देते छेड़ु छेड़ुषु वित्तेसु का जानियात छेड़ुषु बितेषु भार्या क्या लिख देते भार्या बांधवान कदा जानियात व्यसनेसु बांधयान इसी तरह दूसरा था भूमे गुरुतरा का भूमे गुरुतरा माता खात उच्चतरा का खात उच्चतर क्या हो जाएगा इसका पित, पित, वातात शीघ्र त्रम किम वातात शीघ्र त्रम मना त्रणाम स्म पदे वचनम लिखना था कौन सा वचन है त्रणात में ये पंचमी भक्ति है क्या पंचमी सोलह क्वेश्चन से ऐसे ही था ये क्वेश्चन थे इसके चटका योगलम कश्मीर बच्चे प्रति वसन्मी अंडानी तथा अंडानी कथा दत्तानि एक दिने कथत रागतः मदेन गजा काम नासितवान बानामरथा विक्रमादित्य नगर समय कम दृष्टवान विक्रमादित्य मनसि किम उद्भूतम् सह महामत्रीणि किम सामर्थ्यवनम आगच्छत आगच्छत इस्मने पदे का धातु ये पूछा था 17वे प्रश्न में था कि आठ वाक्य में संस्कृत का लेख लिखना था धैनु उद्यान या पाठशाला तीन में से किसी में भी आठ लाइन का लेख लिखना था